हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजन तिवारी बिफोर ऑल ऑफ यू। और आज मैं एक डिटर्मिनेशन के साथ आपके सामने आया हूं, और वो डिटर्मिनेशन ये है कि मैं आपको इसी वीडियो में पूरा का पूरा टेंस पढ़ाऊंगा। वैसे टेंस क्या है, काइंड्स कितने हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट से जुड़ा हुआ वीडियो का एक सीरीज आपके सामने प्रस्तुत किया जा चुका है ऑलरेडी। तो कुछ जो ज़रूरी बातें हैं टेंस से रिलेटेड, वो उन वीडियोज को देख करके आप सीखेंगे। लेकिन इसके अलावा जो बाकी टेंसेज बचे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ, बाकी जो टेंसेज और उनके काइंड्स बचे हैं, वो सारा मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा। शुरुआती तौर पे एक बार फिर से मैं रिवीजन के लिए आपको टेंस काइंड्स वगैरह शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसके विस्तार में जाने के लिए आपको वो वाला वीडियो, फर्स्ट वाला वीडियो देखना होगा। टेंस से जुड़ा हम लोगों का जो वीडियो है या उसके एक दो जो सीरीज चलाए गए हैं उसको आपको देखना होगा। तो देखते हैं हम टेंस। टेंस का डिफिनीशन उस वीडियो में अच्छे से समझाया गया है, आप वो वीडियो देखें। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के रिप्लाई में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अगर आपको अलग से देखने में आलस्य वगैरह आए तो हम लोग आपको इस तरह का सुविधा देने का प्रयास करें कि लिंक वहाँ अवेलेबल रहेगा, आप उसमें से कुछ ज़रूरी चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे। तो टेंस क्रिया के होने के समय को बताता है। तीन प्रकार का होता है, मतलब आमतौर पर सभी लोग जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंसेज के चार चार काइंड्स होते हैं, तीनों के ही चार चार काइंड्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट का क्या होता है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर दूसरा क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट का भी वैसा ही होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर का होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद हम इन टेंसेज के यूजेज पर चर्चा करेंगे, और मैं आपको वादा करता हूँ कि एकमात्र इसी वीडियो में सारा का सारा टेंस आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वाक्य बनाने का रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। V1 V5 क्या है और उसके यूजेज के बारे में वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैनल पे एडी सर के बैनर तले, और उन्हीं वीडियोज में आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी समझाया जा चुका है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी वाक्य का पहचान क्या होता है, तो हिंदी में जब ऐसा वाक्य रहता है सब्जेक्ट कुछ करता है तो उसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ईश्वर सब कुछ जानते हैं, ईश्वर सब्जेक्ट हैं, वो क्या करते हैं कुछ जानते हैं। सब्जेक्ट कुछ करता है का मतलब क्या है, हम जब भी कुछ करते हैं तो कोई ना कोई क्रिया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कोई क्रिया करते हैं क्या, जानने की क्रिया। ईश्वर क्या करते हैं, सब कुछ जानने की क्रिया करते हैं। सब्जेक्ट मैं हूँ, मैं क्या करता हूँ रात में पढ़ता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने अनुवाद किया है, पहले सब्जेक्ट को रखा है, ईश्वर सिंगुलर है उनके साथ V5, उसके बाद जानना की अंग्रेजी, सॉरी सब कुछ की अंग्रेजी एवरीथिंग, गॉड नोज एवरीथिंग, ईश्वर सब कुछ जानते हैं। मैं रात में पढ़ता हूँ, आई रीड एट नाइट, आई के साथ V1 का इस्तेमाल होता है, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद जो नेगेटिव कंस्ट्रक्शन होता है, सब्जेक्ट डू डज नॉट, V1 ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का कंस्ट्रक्शन होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव होता है वो इस पैटर्न पे बनता है। ऐसा तब हमें करना पड़ता है जब हिंदी वाक्य के बीच में नहीं आ जाता है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसमें सेंस क्या होता है हिंदी वाक्य का, सब्जेक्ट कुछ नहीं करता है, हम लोग बुरी संगति नहीं रखते हैं, वी डू नॉट कीप बैड कंपनी, कीप कंपनी मतलब संगति रखना, बैड कंपनी मतलब बुरी संगति। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। डूडज का यूज, जैसा कि मैं बताया हूँ आपको कि पहले ही मैं बता चुका हूँ दूसरे वीडियोज में, आरंभिक वीडियोज में, और V1 V5 का भी यूज मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में हमने दूसरा एग्जाम्पल बनाया है, वह बहाने नहीं बनाता है। सब्जेक्ट वह है, उसकी अंग्रेजी हमने पहले रख ली, स्ट्रक्चर के हिसाब से ही के लिए डज इस्तेमाल होगा, फिर नॉट हो गया, मेक एक्सक्यूजेज बहाने बनाना, ही डज नॉट मेक एक्सक्यूजेज, वह बहाने नहीं बनाता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चले आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसमें क्या होता है हमें डू डज को पहले रखना होता है, तब सब्जेक्ट, तब V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है, सिंपल इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव में क्या हिंदी वाक्य को पहले आता है, हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना पड़ता है। क्या नेता लोग झूठे वादे करते हैं, तो नेता लोग प्लूरल हो गए इसलिए उनके पहले क्या आया, डू आया।
डू लीडर्स मेक, करना के लिए मेक आ रहा है, फेक प्रोमिसेज, फेक प्रोमिस झूठा वादा। क्या वह बहुत पैसे कमाता है, फिर से वह सब्जेक्ट है, उसके लिए डज बाहर आया, अर्न मतलब कमाना, डज ही अर्न लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ या लॉट ऑफ बहुत के लिए हम लोग लगाते हैं। और उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, डू डज पहले, सब्जेक्ट नॉट इन वी वन, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव निगेटिव वह वाक्य है जिसमें क्या के अलावा नहीं भी आ जाए। क्या वह तुम्हें बदनाम नहीं करता है, डज ही नॉट डिफेम यू। डिफेम किसके लिए आ रहा है, बदनाम करना के लिए आ रहा है। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। उसके बाद डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव जिसमें क्यों कहाँ कब कैसे आ जाए, अंग्रेजी उनकी पहली हमें लगानी पड़ती है। वह क्यों तुम्हें धमकी देता है, वाई डज ही थ्रीटेन यू, थ्रीटेन मतलब धमकी देना। उसके बाद ये दूसरा एग्जाम्पल है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव का, आप टहलने कहाँ जाते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड्स की अंग्रेजी पहले रख ली गई वेयर, तब डू या डज, यू के हिसाब से डू, और टहलने जाना की अंग्रेजी हमेशा गो फॉर ए वॉक होती है, ध्यान देंगे तो कभी काम आएगा, कम्पिटिटिव लेवल पे भी काम आएगा। गो टू ए वॉक नहीं होता कभी भी, हमेशा क्या होता है, गो फॉर ए वॉक, टहलने जाना, वेयर डू यू गो फॉर ए वॉक। उसके बाद डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले पैटर्न में ही हम लोग को बस डब्ल्यू एच वर्ड्स जोड़ देने होते हैं, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव तैयार हो जाता है। आप फिल्में क्यों नहीं देखते हैं, वाई डू यू नॉट वॉच मूवीज। वे लोग तुम्हारी मदद क्यों नहीं करते हैं, वाई डू दे नॉट हेल्प यू। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो चुका है, और वैसे इसके बारे में विस्तार से आप लोगों के सामने वीडियोज प्रस्तुत किए जा चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट इज एम आर, वी फॉर ऑब्जेक्ट या सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। हिंदी वाक्य की पहचान होती है सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, मैं अभी आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट मैं हूँ, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। वह अपना काम कर रहा है, सब्जेक्ट वह है अपना काम कर रहा है। इज एम आर के यूजेज आप लोगों को पता ही होंगे, अगर नहीं पता तो ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ इज, आई के साथ एम, और वी यू दे और प्लूरल नाउन्स के साथ आर का प्रयोग हम लोग करते हैं। और उसके बाद नेगेटिव, किसी भी टेंस में किसी भी वाक्य का नेगेटिव करने के लिए उसमें सहायक क्रिया के बाद नॉट जोड़ दीजिए, वो नेगेटिव तैयार हो जाता है। तो मेरा दोस्त तैयार नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, माई फ्रेंड, फ्रेंड सिंगुलर है उसके लिए इज, और उसके बाद नॉट, गेट रेडी, तैयार होना, माई फ्रेंड इज नॉट गेटिंग रेडी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ग्रामेटिकल यूज पे अगर ध्यान दें तो जब बोलते समय कोई क्रिया चल रही है दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है निगेटिव का, वह आज नहीं आ रही है, सी इज नॉट कमिंग टूडे। फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। इंट्रोगेटिव किसी भी टेंस में, सिंपल इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव जो है, हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाके बनाना होता है। जैसे इंडेफिनिट में डू डज को बाहर निकाल रहे थे, यहाँ पे इज एम आर को बाहर निकालेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। क्या वे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, वे लोग सब्जेक्ट है उसके लिए आर पहले आ गया, आर दे वेटिंग फॉर मी। जब भी हम किसी का इंतजार करते हैं उसके पहले फॉर लगाते हैं। क्या जोरों की वर्षा हो रही है, वर्षा वाले वाक्य इट से बनते हैं उनका, तो हमने इट ले लिया, इट के लिए इज आ गया पहले। इज इट रेनिंग, जोरों की वर्षा होना, उसको सिंपली हम लोग वो रेन हैवीली बोलते हैं, या अगर इडियोमेटिक ढंग से बोला जाए मुहावरेदार, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स मतलब होता है जोरों की वर्षा होना। इज इट, इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्ते बिल्लियाँ ऊपर से गिरने लगे हैं, शाब्दिक अर्थ निकालो तो। अंग्रेजी में मुहावरे कुछ और कहते हैं, उनकी हिंदी कुछ और होती है। इज इट रेनिंग हैवीली और इज इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या के अलावा जब नहीं भी आ जाए, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना होता है हम लोगों को, क्या के लिए, उसी तरह से इज एम आर को बाहर रखना होता है। क्या वे लोग पौधे नहीं लगा रहे हैं, आर दे नॉट प्लांटिंग प्लांट्स। क्या वे वह शोर नहीं कर रहा है, इज ही नॉट मेकिंग ए नॉइज। मेक ए नॉइज शोर करना, प्लांट प्लांट्स पौधे लगाना। उसके बाद डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, जब हिंदी वाक्य के बीच में क्यों कहाँ कब कैसे आ जाए, आप उसे क्यों डांट रहे हैं, उसकी अंग्रेजी पहले रख ली, फिर इंट्रोगेटिव वाले पैटर्न को फॉलो कर लिया। वाई आर यू स्कोल्डिंग हिम हर, स्कोल्ड मतलब डांटना। वह कब वहाँ जा रहा है, वेन इज ही गोइंग देयर। फिर हम लोग डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्यों कहाँ कब कैसे के साथ साथ नहीं भी। वह तुम्हें पैसे क्यों नहीं दे रहा है, वाई इज ही नॉट गिविंग यू मनी।
या फिर इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वाई इज ही नॉट गिविंग मनी टू यू। अंग्रेजी में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। इनके बारे में पैसिव में भी चर्चा होगी कि पैसिव के लिए इनके लिए अलग से रूल होता है जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जब सजीव ऑब्जेक्ट क्रिया के ठीक बाद आता है तो हमें टू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पहले अगर हम निर्जीव ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं तो सजीव के पहले टू लगाना पड़ता है, ये भी आपको ध्यान देना होता है। आप सच क्यों नहीं बोल रहे हैं, वाई आर यू नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म होता है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है घर पे, यहाँ से समझना है, प्रैक्टिस घर पे खुद से करना है। फिर हम लोग तीसरे प्रेजेंट के रूप पे चर्चा करेंगे, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द रूल फॉर अफर्मेटिव इज सब्जेक्ट हैज हैव V3 ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हिंदी वाक्य की पहचान होगी सब्जेक्ट कुछ कर चुका है या सब्जेक्ट ने कुछ किया है। मैंने हमेशा आपका इंतजार किया है, पहले हम लोगों ने क्या रखा, सब्जेक्ट आई के साथ हैव होता है, आई हैव ऑलवेज वेटेड फॉर यू। और वे लोग वह दरवाज़ा तोड़ चुके हैं, सब्जेक्ट कुछ कर चुका है, ये वाला पहचान है। यहाँ पे दूसरे वाले मैंने हमेशा आपका इंतजार किया है, सब्जेक्ट ने कुछ किया है, ये वाला पहचान है। दे हैव ब्रोकन दैट डोर, अगर हैज हैव पे आपका कमांड नहीं है तो ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग हैज लगाएंगे, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम लोग हैव लगाएंगे। यह प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव का रूल था। ग्रामेटिकल रीजन ये कहता है कि यदि कोई कार्य बीते समय में संपन्न हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान तक है तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। वे लोग वह दरवाज़ा तोड़ चुके हैं, मतलब तोड़ने का काम हो गया है, लेकिन अब कोई कारण है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वे लोग वह दरवाज़ा तोड़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग निगेटिव देखें। उसके बाद निगेटिव सेंटेंसेज प्रेजेंट परफेक्ट में, वह अब तक नहीं आया है, सहायक क्रिया के बाद नॉट रख लेना है, ही हैज नॉट कम येट। अब तक, अभी तक की अंग्रेजी येट केवल निगेटिव सेंटेंसेज में होती है। ये आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, अब तक या अभी तक की अंग्रेजी निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में येट होती है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में अब तक या अभी तक की अंग्रेजी स्टील होती है। और येट एक ऐसा शब्द है जो प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसने तुम्हारी पतंग नहीं फाड़ी है, ही हैज नॉट टोर्न योर काइट। प्रेजेंट परफेक्ट के पे कमांड के लिए हैज हैव कहाँ लगाना है ये तो है ही, हम लोगों को V3 भी याद करना होता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म हर जगह हम लोगों को यूज करना हो रहा है, तो अगर थर्ड फॉर्म पे कमांड नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट पे कमांड नहीं है। दूसरी बात ये है कि टेंस पे और वॉयस पे कमांड के लिए हमें V1, V2, V3 ये जो फॉर्म है वो याद करने होते हैं, वॉयस में V3 हर जगह इस्तेमाल होता है। तो वॉयस पे और टेंसेज पे कमांड के लिए स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि वो V2, V3 अच्छे से कमांड कर लें। और टोर्न V3 है, इसका V1 टीयर होता है, TEAR, वही आंसू वाला भी होता है, और टोर इसका V2 है, ये V1 है और टोर क्या है, V2 है, टोर्न V3 है। उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर से हिंदी वाक्य में क्या सहायक क्रिया पहले, क्या आपने कभी एक भूत देखा है, हैव यू एवर सीन ए घोस्ट, घोस्ट मतलब भूत, एवर आ रहा है कभी के लिए, एवर भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट शब्द है जो ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। क्या आप पहले ही चाय पी चुके हैं, हैव यू ऑलरेडी टेकन टी, टेक टी चाय पीना पहले ही, ऑलरेडी, और ऑलरेडी भी महत्वपूर्ण शब्द है, प्रेजेंट परफेक्ट में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव पर चर्चा करेंगे, जब क्या और नहीं दोनों आ जाए, और सब्जेक्ट के बाद नॉट क्या के लिए, उसी तरह से इंट्रोगेटिव की तरह पहले हेल्पिंग वर्ब, क्या वह नहीं सोया है, हैज ही नॉट स्लेप्ट, हर जगह V3 इस्तेमाल हो रहा है, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट होता है। और क्या मैंने अपना वादा नहीं निभाया है, हैव आई नॉट केप्ट माई प्रॉमिस, वादा निभाना की अंग्रेजी कीप प्रॉमिस, केप्ट V2 V3 है। WH इंट्रोगेटिव, उसके बाद तुमने उसकी बाइक क्यों चुराई है, बार बार मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि WH इंट्रोगेटिव कैसा होता है और इंट्रोगेटिव कैसा होता है, तो आप लोग ध्यान दिया करिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है, मैंने आप लोगों को ये बताया है कि इसी वीडियो में मैं सारा टेंस खत्म करने वाला हूँ। तुमने उसकी बाइक क्यों चुराई है, वाई हैव यू स्टोलन हिज बाइक, स्टील मतलब चुराना होता है, ये V1 है, स्टोल इसका V2 होता है और V3 स्टोलन होता है। वे लोग क्या बेच चुके हैं, क्या की अंग्रेजी पहले आ गई,
हेल्पिंग वर्ब आ गया, वेलोग आ गए, क्रिया आ गई. व्हाट हैव दे सोल्ड, सेल मतलब बेचना, और उसका वी टू सोल्ड, वी थ्री भी सोल्ड होता है. उसके बाद डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट में, तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया है, वाई हैव यू नॉट कम्प्लीटेड योर वर्क. यू जब सब्जेक्ट हो तो अपना की अंग्रेजी योर होती है, कम्प्लीट पूरा करना. और उसने कमरा क्यों नहीं साफ किया है, वाई हैज ही नॉट क्लीन दिस रूम, क्लीन साफ करना है. उसका भी थ्री ईडी लगा के बनता है, कंप्लीट में भी वैसे ही होता है, ईडी लगा के. और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट का अंतिम, प्रेजेंट टेंस का अंतिम फॉर्म है, अंतिम रूप है. और अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन, उसके बाद वी फोर यानी वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सी फॉर कॉम्प्लीमेंट. इस टेंस में थोड़ा सा एक और चीज़ होती है, वो होता है फॉर या सिंस और टाइम. उस पर फॉर और सिंस के यूजेज के लिए हम आप लोगों को अलग से वीडियोज अवेलेबल कराएंगे. वैसे मैं यहाँ पे समझाने का ही प्रयास करूँगा, ऐसा नहीं है. हिंदी वाक्य की पहचान क्या होगी, दो पहचान हो सकती है, एक सब्जेक्ट कुछ करता रहा है, दूसरा सब्जेक्ट कुछ कर रहा है. कब से कर रहा है, लंबे समय से कर रहा है. एग्जाम्पल से चलते हैं, पता चलेगा. वह यहाँ आता रहा है, सब्जेक्ट रख लिए ही, उसके बाद हैज लगा लिए ही के अनुसार, बीन लगा लिए, क्रिया लगा लिए, और उसके बाद यहाँ की अंग्रेजी लगा लिए, ही हैज़ बीन कमिंग हियर, वह यहाँ आता रहा है. इस वाक्य में कोई समय नहीं है तो हमें फॉर सिंस वगैरह पे विचार करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद मैं वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, सब्जेक्ट अंग्रेजी पढ़ा रहा है. कब से, लंबे समय से, यानी कि वर्षों से. आई के साथ हैव, बीन, स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है वी फोर, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर, ईयर्स. अब सवाल है कि फॉर कहाँ, तो जब समय का अंतराल बने, पीरियड ऑफ टाइम, उसके पहले हमें फॉर लगाना होता है, और जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसके पहले हमें सिंस लगाना होता है. और इसके लिए मैंने आपको बताया कि अलग से फॉर और सिंस के इस्तेमाल पर वीडियोज अवेलेबल कराए जाएंगे. तीसरा एग्जाम्पल अफर्मेटिव में ही हम लोग देख सकते हैं, वह 4 बजे से एक मैच खेल रहा है. फिर सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट के अनुसार हैज ले लिया, बीन ले लिया, वी फोर, ही हैज़ बीन प्लेइंग ए मैच सिंस 4 o'clock. 4 बजे से की अंग्रेजी क्या होगी, सिंस 4 o'clock. निगेटिव सेंटेंस में चलेंगे तो ऐसे ही हैज हैव बीन है, विल बी है, विल हैव है, तो फर्स्ट पार्ट के बाद ही हम लोग नॉट लगाते हैं. विल नॉट हैव, हैज नॉट बीन, विल नॉट बी, है ना. मतलब अगर दो पार्ट में हेल्पिंग वर्ब्स हो जाती हैं तो फर्स्ट वाले के बाद ही ज़्यादातर बार हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं. वे लोग 10 दिनों से मुझसे नहीं मिल रहे हैं, दे हैव नॉट बीन मीटिंग मी फॉर 10 डेज. तो फॉर 10 डेज कहने से एक समय का अंतराल बन रहा है, जबकि वह 4 बजे से एक मैच खेल रहा है, तो एक समय का बिंदु बन रहा है यहाँ पे, कि उसके समय की शुरुआत कब हुई, खेलने की शुरुआत कब हुई, 4 बजे से हुई. और यहाँ एक समय का अंतराल बन रहा है, ड्यूरेशन बन रहा है. वह जनवरी से काम नहीं कर रहा है, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस जनवरी. उसके बाद इंट्रोगेटिव में चलेंगे तो उसी तरह से हैज या हैव को बाहर निकाल देना है. क्या वह कई महीने से झूठे बहाने बना रहा है, हैज़ ही बीन मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज. मेक लेम एक्सक्यूजेज मतलब झूठे बहाने बनाना. फॉर मेनी मंथ्स यहाँ पे आ रहा है, कई महीने से के लिए. फिर से समय का एक अंतराल बन रहा है, पीरियड ऑफ टाइम. क्या आप 2021 से एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं, हैव यू बीन लुकिंग फॉर ए गुड जॉब सिंस 2021. 2021 से समय का एक बिंदु बन रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम बन रहा है, उसके लिए क्या आ रहा है, सिंस 2021. और लुक फॉर आ रहा है ढूंढना के लिए. नौकरी ढूंढना की सबसे अच्छी अंग्रेजी लुक फॉर मानी जाती है. इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्या आप 2 घंटे से फ़ोन पर बात नहीं कर रहे हैं, क्या के लिए हैज है, बाहर आ गया, सब्जेक्ट के हिसाब से हैव आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया. हैव यू नॉट बीन टॉकिंग ऑन फोन, फोन पर की अंग्रेजी होती है ऑन फोन, टॉक बात करना. फॉर 2 आवर्स आया है 2 घंटे से के लिए. क्या भारत दशकों से आतंकवाद का सामना नहीं कर रहा है, हैज इंडिया नॉट बीन फेसिंग, फेस आ रहा है सामना करने के लिए. और टेररिज्म आतंकवाद, फॉर डिकेड्स होता है दशकों से. फॉर डिकेड्स कहने से भी समय का एक अंतराल बन रहा है, फॉर 2 आवर्स भी कहने से समय का अंतराल बन रहा है. वह क्यों 10 मिनट से तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा रहा है, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव यहाँ पे हेडिंग होनी चाहिए हम लोगों की.
वह क्यों 10 मिनट से तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा है? वाई हैज ही बीन नॉकिंग एट योर डोर फॉर 10 मिनट्स? नॉक खटखटाना के लिए जब भी हम खटखटाते हैं तो नॉक ऐड करते हैं, फॉर 10 मिनट्स 10 मिनट्स से। और वह 2 सप्ताह से क्या छिपा रहा है? वाट हैज ही बीन हाइडिंग फॉर 2 वीक्स? हाइड छिपाना, और फॉर 2 वीक्स आ रहा है 2 सप्ताह से के लिए। और उसके बाद डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव, तुम कई दिनों से गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों कैसे कब कहाँ के अलावा नहीं भी। तो वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग होमवर्क फॉर मैनी डेज? फॉर मैनी डेज आ रहा है कई दिनों से के लिए। तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग प्रेजेंट पूरा खत्म कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग पास्ट टेंस देखेंगे, पास्ट टेंस के जो काइंड्स है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे चर्चा करेंगे हम लोग। पास्ट का पहला टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये तो हर टेंस में रहेगा, आपको पता भी है। फिर भी टू रखना है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, क्रिया सेकंड फॉर्म में रहेगी। हिंदी वाक्य की पहचान हो सकती है सब्जेक्ट कुछ करता था, तब हम अंग्रेजी क्या करेंगे, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। या फिर सब्जेक्ट ने कुछ किया तो भी हम अंग्रेजी क्या करेंगे, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल से देखते हैं, वह यहाँ रहता था, सब्जेक्ट कुछ करता था, सब्जेक्ट वह है, कुछ करता था, क्या करता था, यहाँ रहता था, ही लिव्ड हियर। सब्जेक्ट कुछ करता था, मैं उसे जानता था, आई न्यू हिम या हर। क्लियर नहीं है कि लड़की है कि लड़का, तो हिम या हर कुछ भी लगा सकते हैं। न्यू वी टू है, लिव्ड वी टू वी थ्री दोनों होता है, यहाँ पे वी टू की तरह काम कर रहा है। सब्जेक्ट ने कुछ किया वाला पैटर्न अगर देखें तो उसने गाना गाया, किसने, लड़के ने या लड़की ने, क्लियर नहीं है, तो किसी को ही या सी, दोनों को सब्जेक्ट बना सकते हैं, दोनों में से किसी एक को। फिर सेकंड फॉर्म होता है गाया के लिए, सिंग का सैंग होता है, रख लिया क्रिया का रूप, और गाना के लिए ही सैंग ए सॉन्ग या सी सैंग ए सॉन्ग। मैंने कल आपका इंतजार किया, सब्जेक्ट ने कुछ किया, सब्जेक्ट मैं हूँ, मैंने आपका इंतजार किया, आई वेटेड फॉर यू यस्टरडे, कल जो बीत गया यस्टरडे। नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के लिए डिड होता है, कुछ भी सब्जेक्ट है वहाँ डू डज में तो एक कन्फ्यूजन है कि इसके साथ क्या उसके साथ क्या, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी रहेगा डिड लगाना है, नॉट। और क्रिया फिर से जैसे वहाँ वी1 वी5 से वी1 हो जाता है, यहाँ फिर से वी2 से वी1 हो जाता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। मैंने फूल नहीं तोड़े, आई डिड नॉट प्लक फ्लावर्स। उसने अपना वादा नहीं निभाया, ही डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस। कीप प्रॉमिस वादा निभाना, प्लक फ्लावर्स फूल तोड़ना, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखें। नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या फिर से पहले, हेल्पिंग वर्ब फिर से पहले, क्या आपने उसे पीटा, डिड यू बीट हिम, बीट मतलब पीटना, V1 चल रहा है, V1 डिड लगने के बाद हर जगह में रखना है। क्या उन लोगों ने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार किया, डिड वे लोग, उन लोग की अंग्रेजी दे एक्सेप्ट, स्वीकार करना, योर प्रपोजल, डिड दे एक्सेप्ट योर प्रपोजल, फिर से V1 चल रहा है। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या वह दूसरों को नहीं ठगता था, धोखा नहीं देता था, तो डिड ही नॉट चीट, ठगना या धोखा देना, अदर्स आ रहा है दूसरों के लिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव में। क्या तुम्हारे भाई ने यह गलती नहीं की, Did your brother not make this mistake या commit this mistake, फिर से V1 चल रहा है। और ध्यान ये देना होता है कि गलती करना की अंग्रेजी या तो make mistake होती है या commit mistake होती है, do mistake नहीं होता है। और उसके बाद WH interrogative, जब मैं पहले ही कई बार समझा चुका, तो उसने क्या किया, क्या बीच में, उसकी अंग्रेजी पहले, what did he do, do आया करना के लिए, और ये did आ रहा है helping verb के रूप में। आपने उसे कहाँ भेजा, कहाँ की अंग्रेजी पहले आ गई, वेयर डिड यू सेंड, भेजना हिम, वेयर डिड यू सेंड हिम। उसके बाद WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, आपने उसकी शिकायत क्यों नहीं की, वाई डिड यू नॉट कंप्लेन अगेंस्ट हिम। अगर हिंदी ये भी रहती कि आपने उसके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की, तो भी अंग्रेजी यही होती, वाई डिड यू नॉट कंप्लेन अगेंस्ट हिम। किसी की शिकायत करना या किसी के खिलाफ शिकायत करना, कंप्लेन अगेंस्ट समबडी। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो चुका है, हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस देखेंगे। इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस। अफर्मेटिव के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वाज वर बिफोर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तथा हिंदी वाक्य की पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट कुछ कर रहा था।
वाज कहाँ लगाना है, वर कहाँ, आपको आइडिया अगर नहीं है तो थोड़ी देर के लिए मैं बता रहा हूँ। वाई के साथ वाज, ही के साथ वाज, सी के साथ वाज, इट के साथ वाज, सिंगुलर नाउन के साथ वाज, वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ वेर। और एग्जांपल्स देखते हैं, हम लोग एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। हम लोग सब्जेक्ट है, क्या कर रहे थे, गुजर रहे थे, कुछ कर रहे थे। वी के साथ वर, गुजरना क्रिया है, पासिंग, से होकर के लिए थ्रू आ रहा है। उसके बाद किससे होकर के गुजर रहे थे, ए डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल से। वी वर पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट। वे लोग नदी में तैर रहे थे। दे के साथ भी वर, दे वर स्विमिंग इन द रिवर, स्विम तैरना, इन द रिवर नदी में। अफर्मेटिव के बाद फिर से निगेटिव का नंबर आ गया, वह झूठ नहीं बोल रहा था। ही वॉज नॉट टेलिंग ए लाई, टेल ए लाई झूठ बोलना, स्पीक द ट्रूथ सच बोलना। वह पत्र नहीं लिख रहा था, वैसे केवल लाई भी झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वह पत्र नहीं लिख रहा था, ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव क्या आ गया पहले, हेल्पिंग वर्ब पहले, क्या वह परीक्षा दे रही थी, सी सब्जेक्ट है उसके लिए वाज, वाज सी टेकिंग द एग्जामिनेशन, टेक द एग्जामिनेशन परीक्षा देना। क्या वे लोग तुम्हें मूर्ख बना रहे थे, वे लोग सब्जेक्ट है उसके लिए वर पहले आ गया, वर दे बी फूलिंग यू। क्या वे लोग तुम्हें मूर्ख बना रहे थे, मूर्ख बनाना की अंग्रेजी बी फूल होती है। इंट्रोगेटिव के बाद हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव हम लोग देखेंगे, क्या के साथ नहीं भी, क्या वह ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ रहा था, वाज ही नॉट रीडिंग अटेंटिवली, अटेंटिवली आया किसके लिए, ध्यानपूर्वक के लिए। क्या के लिए सहायक क्रिया बाहर है, सब्जेक्ट के बाद नॉट। क्या तुम्हारा दोस्त उसे गाली नहीं दे रहा था, वाज योर फ्रेंड नॉट एब्यूजिंग हिम या हर। उसे से ये पता नहीं चल रहा है कि लड़की है कि लड़का, लड़का माने तो हिम, लड़की माने तो हर। और फिर नंबर आ जाता है WH इंट्रोगेटिव का, वह क्यों फूट फूट कर रो रहा था, क्यों आ गया पहले उसकी अंग्रेजी, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव का पैटर्न फॉलो कर लिए। वाई वाज ही वीपिंग बिटरली, वीप बिटरली का मतलब होता है फूट फूट कर रोना। वह कब तुम्हें आमंत्रित कर रहा था, वेन वाज ही इन्वाइटिंग यू। WH वर्ड पहले, फिर इंट्रोगेटिव का पैटर्न, मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट में WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, वह परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहा था, वाई वाज ही नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा की तैयारी करना, प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तुम पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहे थे, वाई वर यू नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स मतलब पानी देना किसको, पौधों को, पौधों को पानी देना की अंग्रेजी होती है वाटर द प्लांट्स। और यहाँ पे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म कर चुके हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद आता है पास्ट परफेक्ट। अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, यू ऑलरेडी नो। हिंदी वाक्य की पहचान दो हो सकती है, सब्जेक्ट कुछ कर चुका है, सब्जेक्ट ने कुछ किया था, फसलें सूख गई थी या फसलें सूख चुकी थी। सब्जेक्ट रख लिया क्रॉप्स, हैड ड्राइड। लेकिन मुख्य बात यह है, मुख्य बात क्या है, जो आपने पास्ट इंडिफिनिट पढ़ा है, पास्ट इंडिफिनिट का भी पास्ट होता है, मतलब जो समय बीत गया वो पास्ट है, पास्ट इंडिफिनिट में व्यक्त किया, लेकिन उसका भी पास्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट। तो आमतौर पर पास्ट परफेक्ट वाले वाक्यों में दो हिस्से होते हैं। कैसे दो हिस्से, जब एक काम हुआ दूसरा हो चुका था, या एक काम के होने से पहले दूसरा हो चुका था। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, वर्षा होने से पहले फसलें सूख चुकी थी, तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले फसलें सूख गई थी, मतलब ज़्यादा पुराना कौन हो गया, पास्ट परफेक्ट। तो जो ज़्यादा पुराना है दैट इज पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट से जो पुराना है दैट इज पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट और उसके बाद तब पास्ट इंडिफिनिट। तो ऐसे वाक्यों में जहाँ से पहले के पहले लगा हुआ हो, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट वाले वाक्यों का अनुवाद पहले करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फसलें क्रॉप्स हैड ड्राइड, ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे बना चुका हूँ, फसलें सूख गई थी कब, किसके पहले, बिफोर। वर्षा वाले वाक्य इट से स्टार्ट होते हैं, मैंने एक आध पहले भी एग्जांपल्स में बताया है, दूसरे एग्जांपल्स में, और वैसे इंट्रोडक्टरी इट, इंट्रोडक्टरी देयर,
वेट फॉर एवरीथिंग देयर विल बी एवरीथिंग फॉर यू देयर विल बी नथिंग बियॉन्ड ए रीच इन इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज विल बी ऑल्सो ऑफर टू यू प्रोवाइड टू यू इन दिस वीडियो और इन दिस सीरीज ऑफ वीडियोज एंड अंडर द बैनर ऑफ एडुसर्व तो क्रॉप्स हैड ड्राइड बिफोर वर्षा वाले वाक्य ईट से स्टार्ट होते हैं तो वर्षा होना इसको हमें किसमें अनुवाद कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में मतलब वर्षा हुई बिफोर इट रेन्ड वर्षा होना रेन या वर्षा रेन उसी तरह से मैंने थर्ड एग्जांपल आपको दिया हुआ है डॉक्टर के आने से पहले रोगी ठीक हो गया था या हो चुका था मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर जब आया तो रोगी मर चुका था एक पारंपरिक एग्जांपल है ट्रेडिशनल तो आई हैव ट्राइड टू चेंज इट डॉक्टर के आने से पहले रोगी ठीक हो गया था ठीक हो चुका था रोगी मतलब तो पहले क्या हुआ था रोगी पहले हो गया ये वाला काम पहले जो काम पहले हो गया उसको हमें पास्ट परफेक्ट में व्यक्त करना है द पेशेंट रोगी हैड भीतरी क्योर ठीक होना बिफोर से पहले द डॉक्टर केम डॉक्टर आया ये सेंस लेना होता है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है द डॉक्टर केम डॉक्टर के आने से पहले तो इसको हमको क्या डॉक्टर आया वर्षा होना इसको हमें क्या लेना होता है वर्षा हुई हिंदी इंग्लिश पैटर्न की अगर बात करें तो इसके अलावा ये बिफोर वाले पैटर्न के अलावा पास्ट परफेक्ट में ये भी चलता है जब मैं घर पहुंचा पिताजी सो गए थे मतलब कोई वाक्य जब से शुरू हुआ और फिर से वही दर्शाता है क्या एक काम पहले हुआ दूसरा काम बाद में जब मैं घर पहुंचा पिताजी सो गए थे पिताजी के सोने का काम पहले हो चुका था लेकिन जब वाले इस तरह के वाक्यों में ये बाध्यता नहीं है कि पास्ट परफेक्ट वाले वाक्य को पहले रखना इसमें हम सीधे सीधे भी अनुवाद कर सकते हैं या पहले पास्ट परफेक्ट रख के वेन को बाद में भी रख के अनुवाद कर सकते हैं तो सीधे सीधे चलते हैं जब की अंग्रेजी वेन वेन आई रीच्ड होम जब मैं घर पहुंचा पिताजी सो गए थे अपने माता पिता के आगे कभी भी द नहीं लगाया जाता है ये भी ध्यान रखना होगा आर्टिकल्स का एक यूज है या अपने भाई बहन रिश्तेदारों के आगे फादर हैड स्लेप्ट पिताजी सो गए थे इसके अलावा हम लोग पास्ट परफेक्ट को पहले ले सकते हैं फादर हैड स्लेप्ट पिताजी सो गए थे व्हेन आई रीच्ड होम जब मैं घर पहुंचा इधर पास्ट इंडिफिनिट चल रहा है और इधर पास्ट परफेक्ट चल रहा है तो आमतौर पर पास्ट परफेक्ट में दो पार्ट्स होते हैं जनरली जब एक काम हुआ उसके पहले कोई दूसरा काम हो चुका था या एक काम से के होने से पहले दूसरा काम हो चुका था तो तीसरा वीडियो था जब मैं घर पहुंचा पिताजी सो गए थे लेकिन ये तीसरा नहीं था मार्किंग गलत हो गई यहाँ पे चौथा था ये एग्जाम्पल सॉरी नॉट वीडियो आप लोग को लगातार पढ़ाते पढ़ाते इधर एनर्जी भी हो जाती है ना दिमाग भी लगता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है प्लीज डोंट माइंड और उसके बाद चौथा एग्जांपल मैंने दिया जब वाले से ही जब मैंने यह किताब खरीदी शिक्षक वह पाठ पढ़ा चुके थे शिक्षक को इज्जत से बोला जाता है थोड़ा सा चुके थे वेन तो हम लोग सीधे सीधे चल सकते हैं फिर से पहले क्या हुआ शिक्षक वह पाठ पढ़ा चुके थे इसको पास्ट परफेक्ट करना है किताब आपने बाद में खरीदी लेकिन जब वालों में हम लोग सीधे सीधे चल सकते हैं वेन सब्जेक्ट V2 पास्ट इंडिफिनिट वेन आई बाउट दिस बुक द टीचर हैड टॉट दैट लेसन यहाँ पे क्या चलने लगा पास्ट परफेक्ट चलने लगा इसको आप लोग दूसरे पैटर्न से भी बना सकते हैं जैसे ये जब मैं घर पहुंचा वाले पे जैसे पिताजी सो गए थे आपने पहले बनाया उसी तरह से द टीचर हैड टॉट दैट लेसन वेन आई बाउट दिस बुक ऐसा भी आप कर सकते हैं मेरे जागने से पहले वह चाय बना चुकी थी ये से पहले के पहले वाला पैटर्न आ गया तो पहले इस वाले पैटर्न में बिफोर वाले पैटर्न में आपको ये ध्यान देना होता है कि हमको पास्ट परफेक्ट वाला वाक्य पहले रखना होता है यानी जो काम पहले हुआ है उसको पहले रखना होता है सी हैड प्रिपेयर्ड टी मेड टी भी चलता है बिफोर आई गॉट अप मेरा जागना V2 यहाँ पास्ट एंड डेफिनेट चल रहा है सेंस ये मेरा जागना का सेंस आपको क्या लेना है कि जब मैं
जगह, तब जाके आप पास्ट में उसका अनुवाद कर पाएंगे। इसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव का उतना वो डिमांड भी नहीं है, मज़ा भी नहीं आता है। वैसे जो भी निगेटिव इंट्रोगेटिव भी होगा वो पास्ट परफेक्ट वाले वाक्यों में होगा। मीन्स फादर हैड नॉट स्लेप्ट व्हेन आई रीच्ड होम, पिताजी नहीं सोए थे जब मैं घर पहुंचा। या द पेशेंट हैड नॉट क्योर्ड बिफोर द डॉक्टर केम, उसी पैटर्न पे इसका आप इंट्रोगेटिव और निगेटिव कर सकते हैं, लेकिन इसमें अफर्मेटिव ही ज़्यादा चलते हैं पास्ट परफेक्ट वाले वाक्यों में, निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं चलते। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे हम लोग चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अंतर ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई काम पहले से चल रहा था, अब भी चल रहा है, आगे कब तक चलेगा पता नहीं। इसमें कोई काम पहले से चला और लंबे समय तक चला फिर खत्म हो गया, है ना, यही अंतर है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैड बीन, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको हैड लगाना है, बीन लगाना है, वी फोर लगाना है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट उसी तरह से, फॉर सिंस उसी तरह से जैसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बताया गया है, या आपको फॉर सिंस के लिए वीडियोज भी अवेलेबल होंगे। फिर टाइम, पहचान क्या है हिंदी वाक्य की? सब्जेक्ट कुछ करता रहा था या फिर सब्जेक्ट कुछ कर रहा था लंबे समय से। वे लोग सड़क पर कचरा फेंकते रहे थे, मतलब लंबे समय तक फेंका और पता नहीं अब रोक दिया। सब्जेक्ट रख लिया दे, वे लोग, हैड बीन थ्रो फेंकना कचरा गार्बेज ऑन द रोड, सड़क पर, दे हैड बीन थ्रोइंग गार्बेज ऑन द गार्बेज ऑन द रोड, मैं वर्षों से यह सब सह रहा था। तो फिर क्या आ गया? सब्जेक्ट कुछ कर रहा था, मैं सह रहा था, कब से? लंबे समय से, वर्षों से। आई हैड बीन टॉलरेटिंग ऑल दिस, यह सब, दिस ऑल नहीं हो सकता, जब भी यह सब की अंग्रेजी क्या होगी तो ऑल दिस होगी। फॉर ईयर्स, वर्षों से, सहना की अंग्रेजी, वैसे यहाँ पे सिनोनिम भी आप सीख सकते हैं, बियर, है ना, या एंड्योर भी हो सकती है। टोलरेट मतलब सहना, बियर मतलब सहना, एंड्योर मतलब सहना। वह 7 बजे से मेरा इंतजार कर रहा था, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। टाइम एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 7 o'clock, वह 7 बजे से मेरा इंतजार कर रहा था। इस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से पास्ट परफेक्ट के कॉन्टिन्यूस के, फिर से नहीं मतलब अफर्मेटिव के बाद निगेटिव, तो फिर से नहीं आ गया, वे लोग आधे घंटे से कुछ नहीं कर रहे थे, सब्जेक्ट रख लिए, हैड के बाद नॉट लगा लिए, दे हैड नॉट बीन डूइंग एनीथिंग फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से। यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ही बना सकते थे, दे हैड बीन डूइंग नथिंग। मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, नॉट प्लस एनीथिंग बराबर नथिंग। तो हम लोग नॉट को हटा के और एनीथिंग, नॉट और एनीथिंग को हटा के नथिंग रख सकते थे, तो उस समय कैसे बनता? दे हैड बीन डूइंग नथिंग फॉर हाफ एन आवर, वह कल से मुझसे बात नहीं कर रहा था, ही हैड नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस यस्टरडे, कल से की अंग्रेजी सिंस यस्टरडे होती है। इंट्रोगेटिव पे आते हैं, क्या तुम महीनों से एक नई नौकरी ढूंढ रहे थे? क्या के लिए हैड बार रख लिए, सब्जेक्ट रख लिए हैड यू, कुछ भी सब्जेक्ट के साथ हैड रखना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। हैड यू बीन लुक फॉर नौकरी ढूंढ, मीन्स ढूंढना, और नौकरी ढूंढना की सबसे अच्छी अंग्रेजी लुक फॉर होती है। हैड यू बीन लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब फॉर मंथ्स, क्या आप कई सप्ताह से उसे पत्र लिख रहे थे? हैड यू बीन राइटिंग हिम हर ए लेटर फॉर मैनी वीक्स। अब देखिए, बार बार आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग थोड़ा सा मैच्योर्ड हैं, जो लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़े हुए हैं, और जिन लोगों के पास अब ये निगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह में भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो यू हैव टू वेट फॉर अदर वीडियोज, और यू हैव टू वॉच प्रीवियस वीडियोज विच बिलोंग टू बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड बेसिक सेंटेंसेज। एंड ये जो वीडियो, मतलब एक ही वीडियो में टेंस खत्म करने के लिए चल रहा है, तो आपको क्रमशः देखना है और विस्तार से देखना है, तो टेंस के दूसरी श्रृंखला की वीडियोस देखते रहिए, वो अवेलेबल है ऑल
रेडी। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या के साथ नहीं भी, तो फिर से क्या के लिए, हेड को बाहर ले लिए, सब्जेक्ट को ले लिए पड़ोस, सब्जेक्ट क्या है, क्या तुम्हारा पड़ोसी, हैड योर नेबर, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लिए, फिर बीन लगा लिए, हैड योर नेबर नॉट बीन चीटिंग यू सिंस 2020 2020 से, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे भी आप सीख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जिस तरह के एग्जांपल्स दिए गए हैं, और यहाँ भी अलग से वीडियोज अवेलेबल रहेंगे। क्या वो कॉलेज, कई दिनों से कॉलेज नहीं जा रही थी, फिर से क्या के साथ नहीं भी, इंट्रोगेटिव निगेटिव, सब्जेक्ट सी है उसके लिए हैड, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हैड, हैड सी नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज आया है, पीरियड ऑफ टाइम कई दिनों से। फिर WH इंट्रोगेटिव, वह क्यों 10 मिनट से वहाँ खड़ा था, क्योंकि अंग्रेजी हमने पहले रख ली, वाई। उसके बाद हैड, वही इंट्रोगेटिव वाला पैटर्न, खड़े हो, खड़ा था, यहाँ पे वो पहचान वाला नियम थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकता है, लेकिन खड़े होने का काम चल रहा था पहले लंबे समय से, क्योंकि 10 मिनट का समय आ गया है। वाई हैड ही बीन स्टैंडिंग देयर फॉर 10 मिनट्स, वह क्यों 10 मिनट से वहाँ खड़ा था, वह सालों से क्या कर रहा था, क्या जब बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले, व्हाट हैड ही बीन डूइंग फॉर ईयर्स, और उसका WH इंट्रोगेटिव, आप कई दिनों से यह कमरा क्यों नहीं, क्यों साफ नहीं कर रहे थे, व्हाई हैड यू नॉट बीन क्लीनिंग दिस रूम फॉर मेनी डेज, वी हैव डन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ईयर एंड इट्स टाइम फॉर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस में जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ, फ्यूचर का पहला फिर से क्या आया, फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट विल सेल, वी वन ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। आई वी के साथ केवल सेल, बाकी कुछ भी सब्जेक्ट हो विल, वैसे दूसरे सब्जेक्ट के साथ विल भी होता है, आई वी के साथ विल भी होता है, और जिनके साथ विल होता है उनके साथ सेल भी होता है, दैट विल लर्न व्हेन द चैप्टर विल बी मॉडल एक्जुलरीज। जब मॉडल एक्जुलरीज चैप्टर चलेंगे तो उस समय आपको बताया जाए, विल सेल आमतौर पे क्या है, मॉडल एक्जुलरीज है, मॉडल वर्ब्स हैं, और जो फ्यूचर बताने का काम करते हैं, तो जब मॉडल एक्जुलरीज चैप्टर चलेगा उस समय कहाँ दूसरे सब्जेक्ट के साथ सेल हो सकता है, आई वी के साथ विल हो सकता है, ये सब आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जब टेंस आप पढ़ रहे हैं या टेंस पे बेस्ड जब क्वेश्चंस हैं, तो आई वी के साथ आपको सेल ट्रिक करना है और बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल। पहचान क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का, हिंदी वाक्य का, सब्जेक्ट कुछ करेगा, मैं तुम्हें पीटूंगा, आई सेल बीट यू। अच्छा, अगर मैं वो मॉडल वाले पैटर्न पे बाई दिवे चला जाऊं, तो अगर मैं बोलता हूं आई विल बीट यू, तो अब मैं ये शर्त लगा रहा हूं, मैं ये वादा कर रहा हूं, मैं इस बात के लिए डिटरमाइंड हूं कि मैं तुम्हें पीटने से छोड़ूंगा नहीं। ये अंतर होता है कि कहां आई के साथ विल वगैरह, तो वो सब मॉडल्स में हम लोग देखेंगे। अभी अपना टेंस मैंने वादा किया है कि इसी वीडियो में ख़त्म करना है, अब सीखना आपके वो बस की चीज़ है ना। हम लोग कल मेला घूमने जाएंगे, वी शैल गो टू, यहाँ पे दो क्रियाएं वैसे मैंने दे दी हैं एग्जाम्पल में, तो घूमने के लिए विजिट, मेन हम लोग जाएंगे, वी शैल गो, टू गो लगा है दूसरी वाली क्रिया को ऐड करने के लिए, वी शैल गो टू विजिट ए फेयर मतलब मेला, टुमारो कल, बहुत सारे तो स्टूडेंट्स टुमारो के TOMMOROW ऐसा ऐसा वर्ड मीनिंग्स आप नहीं लर्न करेंगे, आपको दूसरे दूसरे टीचर सिखा, वर्ड मीनिंग नहीं, इस तरीके से ट्रिक फॉलो करना है ट्रिक, अरे बिना वर्ड मीनिंग लर्न किए, बिना ग्रामेटिकल टर्म्स फॉलो किए, वो उतना आसान, मीन्स देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, वो आपको बुद्धू बना के आपका वीडियो देख, आप वीडियो उनका देखते हैं, वो आपको ट्रिक सिखा रहा है, आप सफल हुए कि नहीं हुए ये ऊपर वाला जानता है ना। 1000 व्यू हो गए फला टीचर पे, लाख व्यू चले गए, लाख सब्सक्राइबर्स हैं, हाउ मेनी मीन्स ज्वाइनिंग्स दे आर प्रोवाइडिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सक्सीडेड, इट मैटर्स। तो सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता है, बाय द वे इतना तो आपको जानना होगा। अब आपको टुमारो की स्पेलिंग नहीं आती है, टुमारो स्टडे का अंतर नहीं आता है, नेक्स्ट मंथ और लास्ट मंथ का अंतर नहीं आता है, और फिर आप कोई ट्रिक के सहारे आप इंग्लिश निकाल के और जॉब पकड़ लीजिएगा,
ऐसा मैं नहीं समझता कि ऐसा होता है, अगर ऐसा होता होगा तो फिर पता नहीं। वो अगले सप्ताह मुझसे मिलेगा, ही विल मीट मी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मतलब अगला, लास्ट मतलब पिछला। मैं निगेटिव पे आ गए, मैं वही नहीं आ गया, मैं ऐसी बेइज्जती नहीं सहूंगा। साना की अंग्रेजी इंडियो टोलरेट बियर मैंने बताया, सच इंसल्ट ऐसी बेइज्जती। वे लोग नहीं सुधरेंगे, सब्जेक्ट रख लिया, विल रख लिया, नॉट लगा लिया, इम्प्रूव सुधरना, दे विल नॉट इम्प्रूव। इंटरोगेटिव, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, विल यू ओपन द डोर। इंटरोगेटिव का दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको फिर से दिया, क्या आप शांत रहेंगे, शांत रहना के लिए आप कीप क्वाइट या रिमेन साइलेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमेन मतलब रहना, विल को पहले ले लिया, विल यू कीप क्वाइट, विल यू रिमेन साइलेंट। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या वह यहाँ काम नहीं करेगी, विल सी नॉट वर्क हियर, वर्क मतलब काम करना, करेगी। क्या भारत यह मैच नहीं जीतेगा, विल इंडिया नॉट विन दिस मैच। WH इंट्रोगेटिव, क्यों कहाँ कब कैसे बीच में, अंग्रेजी पहले। वह कब सफल होगा, वेन विल ही सक्सीड, सफल होना। यहाँ पे मैं सफल होना पे लोग गड़बड़ रहते हैं, तो अगर चाहो तो सीखो। सक्सेस सफलता, सक्सेसफुल सफल, और सक्सीड सफल होना, ये वर्ब है। हाँ, बी प्लस सक्सेसफुल सफल होना हो सकता है। आप क्यों उसे डांटेंगे, आप उसे क्यों डांटेंगे, वाई विल यू स्कोल्ड हिम, डांटना की अंग्रेजी स्कोल्ड। वह इस्तीफा क्यों नहीं देगा जबकि वह भ्रष्ट है, मैंने थोड़ा सा सेंटेंस को लंबा करने का प्रयास किया है, तो वह इस्तीफा क्यों नहीं देगा, क्यों हटा दूं तो वह इस्तीफा नहीं देगा, क्यों नहीं हटा दूंगा तो वह इस्तीफा देगा, सब्जेक्ट कुछ करेगा, वही पैटर्न चल रहा है। WH वर्ड को पहले रख लिया, वाई विल ही नॉट रिजाइन, जबकि के लिए हम वाइल या वेरेज लगा सकते हैं। वह भ्रष्ट है, वह छात्र है, ही इज ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, उसी पैटर्न पे वह भ्रष्ट है, ही इज करप्ट, करप्ट मतलब भ्रष्ट। यहाँ पे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म कर चुके हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नंबर आ गया है, बस दो टेंस और बाकी हैं, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट विल या शैल, बी वी फोर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। पहचान दो हो सकती है, सब्जेक्ट कुछ कर रहा होगा या सब्जेक्ट कुछ करता रहेगा। कर रहा होगा के पैटर्न पे वह सो रही होगी अपने कमरे में। फिर से सब्जेक्ट रख लिया, सी के साथ विल, बी वी फोर अपने कमरे में, सी के लिए अपना की अंग्रेजी हर, सी विल बी स्लीपिंग इन हर रूम। मैं आपका इंतजार करता रहूँगा, आई के साथ शैल, बी वी फोर आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। निगेटिव, वे लोग गलतियाँ नहीं करते रहेंगे। दे के साथ विल, नॉट बी मेक मिस्टेक या कमिट मिस्टेक, दे विल नॉट बी मेकिंग मिस्टेक्स। इंट्रोगेटिव, क्या आप यहाँ आते रहेंगे, विल यू बी कमिंग हियर, विल को पहले निकाल लिया, बाकी सब जैसे कहते सर, कब से चल रहा है टेंस, आप लोग देख ही रहे होंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव फॉर्म हो रहे हैं, निगेटिव फॉर्म हो रहे हैं। क्या वह सपने नहीं देख रहा होगा, सपने देखना के लिए वैसे सी ड्रीम भी हो सकता है, लेकिन केवल ड्रीम, ड्रीम नाउन भी है, वर्ब भी है। विल ही नॉट बी ड्रीमिंग, क्या वह सपने नहीं देख रहा होगा, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव, क्या के साथ नहीं, विल पहले सब्जेक्ट फिर नॉट। इंट्रोगेटिव निगेटिव एग्जाम्पल वन एक ही दिया है, क्या वही क्या नहीं तो चल रहा है, सब कुछ समझाया हुआ है। क्या तुम्हारा दोस्त कठिनाई में तुम्हारी मदद नहीं कर रहा होगा, विल योर फ्रेंड, सब्जेक्ट रख लिया, नॉट रख लिया, बी हेल्पिंग यू इन ट्रबल, ट्रबल मतलब कठिनाई में, विल योर फ्रेंड नॉट बी हेल्पिंग यू इन ट्रबल, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव। WH इंट्रोगेटिव पे आते हैं, फिर से क्यों कहाँ कब कैसे, इट इज़ आई डोंट थिंक आई हैव टू रिपीट इट ऑल द टाइम। आप क्यों उससे मिलते रहेंगे, वाई विल यू बी मीटिंग हिम हर, क्लियर नहीं है कि लड़की से कि लड़के से, तो हिम या हर दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं।
वह कहाँ जा रहा होगा, एक और एग्जांपल मान लीजिए कहाँ बीच में आ गया, उसकी अंग्रेजी पहले लगा लिए, वेयर विल ही बी गोइंग, तुम क्यों मुझे धोखा देते रहोगे, वाई विल यू बी चीटिंग मी, ते रहेंगे पैटर्न रहा होगा, दोनों पे मैं एग्जांपल्स देने का प्रयास किया हूँ, आप लोग समझिएगा। और उसके बाद WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्यों के साथ नहीं भी, कहाँ के साथ नहीं भी, वह कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रहा होगा, Why will he not be working hard? And here we have completed future continuous. Future perfect पे आते हैं, affirmative के लिए structure, subject, will, shall, उसके बाद have होता है, फिर V3 हो जाता है, verb third form में आ जाता है, object या complement. Subject, object हर जगह रहेगा, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, बदलेगा क्या, helping verb क्रियाओं का रूप बदलेगा। पहचान हो सकती है सब्जेक्ट कुछ कर चुका होगा या फिर सब्जेक्ट ने कुछ किया होगा, वह या शहर छोड़ चुका होगा, सब्जेक्ट कुछ कर चुका होगा, वह जा चुकी होगी, वह चली गई होगी, सब्जेक्ट ने कुछ किया होगा, सब्जेक्ट कुछ कर चुका होगा, उसने यह घर बेच दिया होगा, सब्जेक्ट ने कुछ किया होगा, मेरा दोस्त अपना काम पूरा कर चुका होगा या मेरे दोस्त ने अपना काम पूरा कर लिया होगा, इन दोनों के लिए फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में मैं कॉम्पिटिटिव वाला जो लेटेस्ट वीडियो है, अच्छा जा रहा है, आप लोग अच्छे से देख रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो 20 ऑब्जेक्टिव्स वाले, उसमें एक क्वेश्चन था, मैंने वहाँ बोला है कि फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, किसी खास समय तक कोई काम पूरा हो चुका होगा, तो यहाँ पर समय भी रहता है, इस साल के अंत तक वह यह शहर छोड़ चुका होगा, तब तक वह जा चुकी होगी, इस तरह का ऑब्जेक्टिव वाले में मैंने एग्जांपल दिया है कॉम्पिटिटिव वाले वीडियो में, तो आप यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं वहाँ के लिए। तो आप लोगों को निरंतर एडिसॉव के द्वारा जो इंग्लिश के वीडियोज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो देखते रहना है, मैं जैसे आप लोगों को बारम्बार प्रॉमिस कर रहा हूँ ना कि इस चीज़ का आपको ये वीडियो में देखना है, ये प्रीपोजिशन से जुड़ा शब्द है, प्रीपोजिशन ऐसे यूज हुआ है तो प्रीपोजिशन का वीडियो देखना है, टेंस वाला चीज़ है तो टेंस का वीडियो देखना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को विस्तार में नॉलेज के लिए करते रहना होगा। देखते हैं, तो ही विल हैव लेफ्ट दिस टाउन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक वह यह शहर छोड़ चुका होगा, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ किसके लिए आ रहा है, इस साल के अंत तक के लिए आ रहा है। इसके अलावा तब तक वह जा चुकी होगी, सी विल हैव गॉन, वह जा चुकी होगी, बाय देन आ रहा है किसके लिए, तब तक के लिए आ रहा है। इस सप्ताह के अंत तक उसने यह घर बेच दिया होगा, किसी खास समय तक वह कुछ कर चुका होगा, वैसे क्लियर नहीं है तो लड़की ने किसी महिला ने बेच दिया होगा तो हम सी भी कर सकते हैं, सी विल हैव सोल्ड दिस हाउस बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ के अंत तक के लिए आ रहा है, इस सप्ताह के लिए, ये इस सप्ताह के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, अब तक मेरा दोस्त अपना काम पूरा कर चुका होगा, माय फ्रेंड विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय नाउ, अब तक। बारंबार मैंने आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव के प्रैक्टिस कराए हैं, फिर से सुन लीजिए, निगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, जो मूल सहायक क्रिया है उसके बाद नॉट, मीन्स ही विल नॉट हैव लेफ्ट दिस टाउन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इंट्रोगेटिव के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर ला देना है, विल सी हैव गॉन बाय नाउ, क्या वो अब तक जा चुकी होगी, क्या उसने मेरा इंतजार नहीं किया होगा, विल सी नॉट हैव वेटेड फॉर मी, उसने मुझे क्यों धोखा दिया होगा, WH वर्ड को पहले ला देना है, Why will he or she have cheated me? तुम्हारे भाई ने तुम्हें पैसे क्यों नहीं दिए होंगे, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें पैसे क्यों नहीं दिए, मान लो ऐसा, Why will your elder brother not have given you money? वही पैटर्न चलता है। अच्छा, स्पोकन के लिए आपको प्रैक्टिस करना होता है इन सब चीज़ों का, बोल करके, लिख करके नहीं, I go, I don't go, do I go, do I not go, why do I go, why do I not go, है ना, ऐसा करना होता है, I am waiting for you, am I not waiting for you, am I waiting for you, why am I waiting for you, इस तरह करना होता है हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट स्पोकन के लिए अलग से वीडियो जाएंगे, कम्पिटिटिव के लिए वीडियो आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के वीडियोज डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आ रहे हैं,
एंड अभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एक अंतिम बाकी है। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं इसी वीडियो में सारा टेंस खत्म करूंगा। मैं सिखाने का वादा दूसरे मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम एनी अदर टीचर, आई एम नॉट गोइंग टू नेम देम, आई विल टॉक टू यू आफ्टर कंप्लीटिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और अंतिम टेंस की बारी आ गई है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस अफर्मेट। एक बात बता दूं कि इस वाले टेंस की फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के यूजेज बोलचाल में या लिखित में ही बहुत कम होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया जाता है, दूसरे लोग भी नहीं करते हैं, फिर भी सीखते हैं एक बार। स्ट्रक्चर क्या होता है, विल सेल हैव परफेक्ट में था, यहाँ बीन लग जाता है, और भी थ्री नहीं भी फोर यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फॉर और सिंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ा है, यहाँ पे फॉर तो फॉर वैसे ही उसी तरह से होगा जैसा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है, लेकिन सिंस की जगह पे फ्रॉम आ जाता है, मतलब जहाँ जहाँ आप सिंस समझते हैं वहाँ पे फ्रॉम आ जाता है। हिंदी वाक्य की पहचान होती है सब्जेक्ट कुछ करता हुआ रहेगा, करता रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूस, करता हुआ रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट कुछ कर रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस, सब्जेक्ट कुछ कर रहा होगा लंबे समय से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये ध्यान रखना होगा। वह सुबह से अपना कमरा बुहार रही होगी, मतलब कमरे में झाड़ू लगा रही होगी। सी विल हैव बीन स्वीप, मतलब झाड़ू लगाना या बुहारना। हर रूम सी के लिए अपना के अंग्रेजी हर आई है, और जहाँ पहले मॉर्निंग के पहले सिंस होता था इस बार क्या रहेगा, फ्रॉम रहेगा सुबह से। हम लोग अपना काम करते हुए रहेंगे, वी शैल हैव बीन डूइंग आवर वर्क, वी के लिए अपना आया है, सब्जेक्ट कुछ करता हुआ रहेगा इस पैटर्न पे। वह चार दिनों से उससे मिलता रहेगा, सब्जेक्ट कुछ करता रहेगा, है ना, कर रहा होगा, यहाँ करता रहेगा भी हम मान सकते हैं पहचान में। वह चार दिनों से उससे मिलता रहेगा, ही विल हैव बीन मीटिंग हिम हर फॉर फोर डेज। कहने का सेंस है कि फ्यूचर कंटिन्यूस के पहचान में जब टाइम आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, ऐसा है, या फिर हुआ हट जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। वह 10 बजे से वहाँ जाता रहेगा, ही विल हैव बीन गोइंग देयर फ्रॉम 10 o'clock। 10 o'clock के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगता है, सिंस लगता है, ऐसा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। तो हियर आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस दैट आई विल टीच यू ऑल द टेंसेज इन अ पर्टिकुलर वीडियो एंड आई हैव डन इट, बट टू लर्न इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ आर यू गोइंग टू डू इट, हाउ आर यू गोइंग टू लर्न इट, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको कैसे सीखते हैं, है ना। दूसरी बात ये है कि ये जो क्लासेज हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपने आप को समझते हैं कि मुझे ऑलरेडी कुछ बेसिक्स पे कमांड है। अगर आपका टेंसेज के मतलब जनरल रूल्स पे या और भी दूसरे कन्फ्यूजन है तो वो अलग अलग पार्ट में टेंस के वीडियोज अवेलेबल हैं हमारे चैनल एडुसॉफ पे। ओके, एडुसॉफ थिंक फॉरवर्ड। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे अलग अलग टेंसेज का जो ग्रामेटिकल रूल है वो भी आपको उन पार्ट्स में देखने को मिलेगा जो अलग से जो वीडियोज अवेलेबल कराए जा रहे हैं। लेकिन बाय द वे आई हैव केप्ट माय प्रॉमिस, मैंने अपना वादा रखा है कि मैं आपको क्या करूँगा, टेंस एक वीडियो में सिखाऊंगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कम से कम उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें अंग्रेजी का कम नॉलेज है कि देर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, सफलता का कोई शॉर्टकट छोटा रास्ता नहीं होता है, नहीं तो सभी सफल होते दुनिया में। थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना होता है, थोड़ा सा सीखने की प्रक्रिया में गुजरना होता है, थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना होता है। एंड विद इट आई एम गोइंग टू फिनिश माई टूडेज क्लास, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक शेयर आवर चैनल दैट इज एडुसॉफ, एंड राजन तिवारी विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू इफ यू आर गोइंग टू एनकरेज अस बाई डूइंग ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू।